प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनके दुबले पतले शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पदचिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता, ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों व व्यापक चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्र नीति की भी नई परिभाषा दी। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में देश की नीति का निर्धारण करने वाला था। दीनदयाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। ये कहना मुश्किल है कि ये उनके जीवन की यात्रा का आरंभ था या जीवन के संघर्षों की यात्रा का। बालक दीनदयाल होश संभाल भी न पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। इन्हें दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। सीकर के महाराजा ने दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। फिर कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जो विषय यहां पढ़ाए जाते थे दीनदयाल जी ने उसका मन लगाकर अध्ययन किया, लेकिन दीनदयाल जी ने यहां वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यहीं उनका संपर्क श्री बलवंत महाशब्दे से हुआ, जिनकी प्रेरणा से सन 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल जी के लिए ये समय व्यक्तिगत संघर्षों के साए से बाहर निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। दीनदयाल जी बीए करने के बाद एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहां पर वे नानाजी देशमुख और भावराव जुगादे के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उनमें सामाजिक जीवन के प्रति चेतना के अंकुर फूट चुके थे। उनके मामा, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया था, उन्हें लगने लगा था कि भांजा अब पढ़ लिख गया है, परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन दीनदयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था। समस्त भारत को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। दीनदयाल जी का लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उसका परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने संकल्प के बारे में अपने मामा जी को जो पत्र लिखा उसकी वानगी देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद नजर आती है। जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी भांति हमारे समाज को लकवा मार गया है। उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर महसूस ही नहीं होता। हर एक तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पर आकर पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी ही है। बाकी बुराइयां, अशिक्षा आदि तो पतित अवस्था के लक्षण मात्र ही है। इसीलिए संगठन करना ही संघ का ध्येय है। इसके अतिरिक्त और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। परमात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है, क्या फिर हम अपने में से एक को भी देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया, क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते, जिस समाज के हम उतने ही ऋणी हैं? यह तो एक प्रकार से त्याग भी नहीं है, विनियोग है। समाज रूपी जीवन में खाद देना है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, पर समाज
संगठित नहीं था। देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थी, उनमें सत्ता का लोभ नहीं, समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वे जी जान से जुट गए। दीनदयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। अब दीनदयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी, अब चुनौती थी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की स्थापना की और यहां से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके अलावा उन्होंने पांचजन्य व स्वदेश के संपादन में भी सहयोग दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी और सरलता मानो एक किंवदंती बन गई थी। उनके वैचारिक दृष्टि से ही नहीं, आचार व्यवहार में भी कार्यकर्ता उनसे बहुत कुछ सीखते थे। गंभीर से गंभीर विषय भी अपनी दैनिक गतिविधियों के बीच बड़ी सरलता से निपटा दिया करते। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया। दिनांक 21 सितंबर 1951 के ऐतिहासिक दिन को दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक माह बाद 21 अक्टूबर सन 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। दीनदयाल जी में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब सन 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति के संदेश को लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत को दो दीनदयाल मिल जाते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। इससे पहले कि जनसंघ राजनीतिक ताकत बन पाता, डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नवजात पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। राजनीतिक कार्य करते हुए भी संगठनात्मक कार्य उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने 1967 में जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद तब स्वीकार किया जब दल के संगठनात्मक नींव डालने का कार्य पूर्ण हो गया। 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना। पूरा देश शोकाकुल हो गया, लेकिन जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। उन दिनों देश समाजवाद और पूंजीवाद के द्वंद्वों से गुजर रहा था। तब के राजनीतिक नेतृत्व को भारतीय सनातन परंपरा की विशालता और राष्ट्र की अपनी भौतिक शक्ति का भाव नहीं हो पा रहा था। वो कभी कहीं से अपने विकास का मॉडल ढूंढ रहा था। एकात्म मानव दर्शन इस अंकुर के वटवृक्ष बनने की यात्रा अभी जारी है। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्प है।